अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सना हेल्थ सॉल्यूशन प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में मर्ज़ को छुपाना और डॉक्टर के पास ना जाना एक आम सी बात है, ख़ासतौर उस वक्त जबकि कोई डिजीज़ हमारे ऐसे सेंसिटिव पार्ट से ताल्लुक़ रखती है जो या तो हम की चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते या फिर वो डिजीज़ इस तरह की होती है कि हम इजीली किसी से बात नहीं कर सकते और हम डॉक्टर के पास भी जाने में कोताही बरतते हैं। अभी कुछ अर्से पहले ही की बात है कि हमारे एक रिलेटिव हैं, उनको हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो ज़ाहिर चीज़ ऐसी होती है कि वो इजीली डिस्कस नहीं किया उन्होंने। काफ़ी अर्से तक उनकी ये चीज़ चलती रही, उनको ब्लीडिंग होती रही, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं किया। जब वो गए डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि वो डिज़ीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जब तमाम इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चला तो उनको Grade 4 का इंटेस्टाइनल कैंसर बन चुका था। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि डॉक्टर के पास ना जाना हमारे लिए एक छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ी बीमारी बन के सामने आती है। आज का हमारा टॉपिक भी इसी डिजीज़ से ताल्लुक़ रखता है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अम्मारा, जो कि हमारे साथ डिस्कस करेंगी कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अम्मारा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर अम्मारा, बताइएगा कि कोलोरेक्टल कैंसर क्या है और क्या इसकी डेफिनेशन है, आप कैसे बताएंगी आम लफ्जों में इसको क्या कहा जाता है? कोलोरेक्टल कैंसर, जिसको आप बड़ी आंख का कैंसर भी कह सकते हैं, इसमें ये होता है कि पखाने की जगह या उससे ऊपर का कुछ हिस्सा जिसको बड़ी आंख कहा जाता है वहाँ का कैंसर होता है। और इसकी कुछ अलामत हैं जिसमें से एक ब्लीडिंग PR, पखाने की जगह से खून आना, या फिर कब्ज़ या मोशन, कभी कब्ज़ कभी मोशन रहना, पखाना करने के बाद भी ऐसा महसूस होना कि अभी पखाना नहीं हुआ है या मुकम्मल तौर पर रफ़ा हाजत नहीं हुई है। ये कुछ अलामात हैं। और इसमें यह कि लोग इसको बवासीर, हर पखाने की जगह से खून आना, हर ऐसी अलामत का मतलब बवासीर नहीं होता है। और जैसे आपने बताया कि लोग नहीं आते, नहीं दिखाते, ये वाकई में एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर कोलोरेक्टल कैंसर अर्ली प्रेजेंट करे, अर्ली स्टेज पर आए, तो इसको हम कहते हैं कि 5 साल का सर्वाइवल रेट जो है वो 90% है। और यही सर्वाइवल। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इनिशियली पेशेंट जब प्रेजेंट करता है, तो ब्लीडिंग के अलावा और क्या चीज़ें होती हैं? अगर आप लोग देखते हैं कि कॉमन प्रेजेंटेशन में अगर डिजीज़ एक्सटेंड कर जाती है तो वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? अगर अर्ली शुरू में जो डिजीज़ होती है, 3-4 सिम्टम्स होते हैं, पखाने की जगह से खून आना, या क्लॉट्स भी आ सकते हैं, फ्रेश ब्लीडिंग भी हो सकती है, या फिर उस जगह से कोई सफ़ेद रंग का मवाद आना, या रफ़ा हाजत करने के बावजूद भी ऐसा महसूस होना कि अभी पखाना पूरी तरह हुआ नहीं है, पखाना खुल के नहीं आया है, या फिर कभी डायरिया और कभी कब्ज़, कुछ दिन के लिए बिल्कुल कॉन्स्टिपेटेड रहता है मरीज़, कब्ज़ रहता है उसको, और फिर एकदम से मोशन हो जाते हैं, या फिर सुबह उठ के फ़ौरन ऐसा महसूस होना कि मुझे फ़ौरन बाथरूम जाने की ज़रूरत है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और एज, कोई स्पेसिफिक एज है? इसको पहले कहा जाता था कि ओल्ड एज का कैंसर है, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली यंग पॉपुलेशन में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली रिपोर्ट हो रहा है। रिस्क फैक्टर्स की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें लो फाइबर डाइट, जिसमें कि ज़्यादातर गोश्त और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल, सब्ज़ी और फल का कम खाना, पानी का कम पीना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैमिलियल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केसेज हैं उसमें रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल, स्पाइसी फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल, बाहर के खानों का ज़्यादा इस्तेमाल, ये चीज़ें जंक, एग्जैक्टली इन चीज़ों का बहुत, और क्योंकि ये सारी चीज़ें लो इन फाइबर होती हैं, पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड रहता है और फिर ये बीमारी की तरफ जाता है। अगर हम हेमरॉइड से किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे इनको, प्रेजेंटेशन इनकी कुछ टिपिकल होती है? हेमरॉइड्स जो कि बवासीर कहा जाता है वो यूजुअली पेनलेस होते हैं, कैंसर भी पेनलेस होता है। हम ये एडवाइस करते हैं कि आप ज़रूर, अगर खुदा न खास्ता किसी को ये अलामत है तो आप अपना मुआयना कराएं। सिंपल एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, DRE हम उसको कहते हैं, उंगली से मुआयना किया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है ताकि ये फ़र्क पैदा हो सके कि ये हेमरॉइड है या कोई ख़तरनाक अलामत है। अच्छा, इंसिडेंस के हवाले से हम बात करें तो इंसिडेंस क्या है हमारे पास? ग्लोबली जो है वो 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है अगर पूरी दुनिया में बात की जाए, और इसमें कैंसर रिलेटेड मोर्टैलिटी यानी कैंसर से जो अमवात होती हैं उसमें ये पूरी दुनिया में 2nd नंबर पर है, यानी कि लंग कैंसर के बाद कोलोरेक्टल कैंसर से डेथ्स होती हैं। पाकिस्तान में 3 जो टोटल कैंसर केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें सिर्फ
3% इसका इंसिडेंस है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर्स हो, क्योंकि हमारे यहाँ कैंसर रजिस्ट्री सही से मेंटेन नहीं की जा सकती। किस तरह रूल आउट कर सकते हैं, कोई सिंपल मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगर है या कोई स्क्रीनिंग मेथड है? इसमें सबसे पहले आ जाता है मुआयना, जिससे हमारे पेशेंट हेजिटेट करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। सिंपल एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है, उंगली से मुआयना होगा, डॉक्टर आपका मुआयना करेगा और वो काफ़ी हद तक बता सकता है कि ये कैंसर है या नहीं है, बवासीर है या कोई ख़तरनाक सीरियस इलनेस है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, कोलोनोस्कोपी, इसके अलावा जो स्क्रीनिंग पर्पस के लिए एडवाइस किए जाते हैं उसमें फीकल अकल्ट ब्लड है, स्टूल का जो पखाने का टेस्ट है सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं करना है, स्टूल सैंपल आपने देना है और उसका टेस्ट होता है फीकल अकल्ट ब्लड होता है, फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट होते हैं, ये कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कैमरे वाला टेस्ट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोलोनोस्कोपी, नीचे से कैमरा डाल के। टेस्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ सोल्यूशन में हमारे साथ ये फैसिलिटी मौजूद है, जिसमें हम तमाम फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पे दे रहे हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट बाहर नहीं जाके अपने ब्लड टेस्ट करवा सकते तो वो घर पे फ्लेबोटमिस्ट कॉल कर लें, हमारी ऐप के थ्रू अपने ब्लड टेस्ट घर पे करवा सकते हैं। हमारे साथ इमेजिंग में 2-3 कोलैबोरेटर्स हैं जो कि आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू और वो अपना अल्ट्रासाउंड और कोलोनोस्कोपी वहाँ से करवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप बताइए कि जेंडर स्पेसिफिक? ऐसा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिस चीज़ पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी वो यही है कि यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं आपको सिविल हॉस्पिटल के एक वार्ड का डेटा शेयर करूँगी कि सिर्फ एक साल में एक वार्ड में 113 पेशेंट्स आए, जिसमें से 46% वर अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज। ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, यंग पेशेंट बहुत आ रहा है, मतलब प्रेजेंट कर रहा है एंड दे आर प्रेजेंटिंग एट लेट स्टेज। 75% ऑफ द पेशेंट्स प्रेजेंटेड एट लेट स्टेज, बहुत लेट स्टेज में। सिर्फ इसलिए कि ये एक अलामत ऐसी है, हम नहीं बताना चाहते, डिस्कस नहीं करना चाहते, सोशल एम्बेरसमेंट होती है, हमें शर्म आती है, लेकिन आप ये समझें कि आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। इस हवाले से मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूँगी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बाज़ाक़ात लोग कुछ हकीमी मेडिसिन ले रहे होते हैं, कुछ किसी ने भी कोई भी दवाई बता दी वो लेना शुरू कर देते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ हर पखाने की जगह से खून आने की हर अलामत को लोग बवासीर का नाम दे देते हैं, बस सुनते ही ये कह दिया जाता है कि ये बवासीर है और उसके लिए मुख्तलिफ टोटके या हकीमी दवाएँ शुरू कर दी जाती हैं। बवासीर है या नहीं है, इस बात का फ़ैसला सिर्फ एग्ज़ामिनेशन पर होता है। प्लीज़ अगर आपको ऐसी कोई अलामत है तो ज़रूर उसको डिस्कस करें अपने डॉक्टर से और उसका अपना मुआयना करवाएं। मोड ऑफ स्क्रीनिंग क्या क्या है जो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं? मोड ऑफ स्क्रीनिंग जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फीकल अकल्ट ब्लड करा सकते हैं और कोलोनोस्कोपी हर 45 ईयर्स के बाद से शुरू होती है, हर 10 साल बाद ये कैमरे वाला टेस्ट कराना होता है और इससे पता चल जाता है। अच्छा, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हुआ बहुत अर्ली स्टेज में और उनको क्या क्या आप प्रिकॉशनरी मेथड्स बताएंगे कि आपको ये फॉलो करना है, फॉलो अप टेस्ट करवाने हैं, किस तरह से गाइड करते हैं? अर्ली स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट करता है तो अर्लीस्ट स्टेज में होता है तो एंडोस्कोपिक यानी ये कैमरे के जरिए ही छोटा सा ट्यूमर होता है वो निकल जाता है, कोई सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर बिल्कुल अर्ली स्टेज पे। उसके बाद सर्जरी की तरफ अगर पेशेंट जाता है, अर्ली स्टेज में सर्वाइवल, डिजीज़ फ्री सर्वाइवल बहुत अच्छा है। सर्जरी के बाद पेशेंट को सिर्फ एनुअली एक सीटी स्कैन कराना होता है और एक खून का टेस्ट कराना होता है, जिसके ज़रिए हम फॉलो कर रहे होते हैं कि दोबारा कैंसर सेल्स तो नहीं ग्रो करना शुरू करें। कोई डाइट्री मॉडिफिकेशन होती है इस डिज़ीज़ में जो कि आप लोग एडवाइस करते हैं कि आप डाइट में कुछ परहेज करें? डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए फॉर श्योर हाई फाइबर डाइट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत ज़्यादा अपना बढ़ाएं, पानी ज़्यादा पिएं, रेड मीट कम खाएं, मतलब कुछ लोग होते हैं उनकी डाइट सिर्फ सोलली रेड मीट पर होती है, मीट का इस्तेमाल कम करें, नेचुरल गज़ा ज़्यादा खाएं, घर के पके हुए खाएं। ठीक है, फैमिलीज़ को आप कैसे काउंसिल करते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उनके सिबलिंग्स या उनके किस तरह फैमिलीज में अगर ये है, फैमिलियल है, तो उसके लिए फिर स्क्रीनिंग एज बहुत पीछे चली जाती है। पॉलिप्स अगर होते हैं तो उसके लिए 12 ईयर्स से भी हम स्क्रीनिंग एडवाइस की जाती है। तो ये है कि फैमिलियल अगर हमें लग रहा है तो एक्सेप्ट करें, बाकी सारे सिबलिंग्स की स्क्रीनिंग या एडवाइस की जाती है। ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ वाली पॉपुलेशन में क्या इंसिडेंस है और अपनी डेली रूटीन प्रैक्टिस में आप कितने पेशेंट्स देखती हैं इस तरह के? हमारे यहाँ जो ज़्यादातर केसेस हैं ना वो स्पोरैडिक आते हैं, यानी कि उनका फैमिली या जेनेटिक्स से वो वाले केसेस कम रिपोर्ट होते हैं, ज़्यादातर स्पोरैडिक ही होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा वरेसम बात यही है कि लेट प्रेजेंटेशन।
ले यही जो हमारे सोशल एम्बैरेसमेंट टैबूज है कि हम अपनी डिजीज को डिस्कस नहीं करते, बताते नहीं है, किसी को दिखाते नहीं है. लेट प्रेजेंटेशन में डिजीज कहाँ तक एक्सटेंड हो जाती है जो आप रूटीनली प्रैक्टिस में देखती हैं अपनी ओपीडी में? अगर पेशेंट अर्ली आ जाता है, स्टेज अर्ली स्टेज पर आ जाता है, तो उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट यानी कि इस बात का इम्कान कि वो 5 साल तक एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा 90% होता है. और ये ड्रॉप हो जाता है लेस देन 50% पे अगर पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है. तो इतना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ऑन लाइफ सर्वाइवल है अर्ली और लेट प्रेजेंटेशन. अच्छा, हमारे पास ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ कौन कौन सी हैं जो यहाँ पे आप प्रेफर करते हैं? पेशेंट अगर अर्ली प्रेजेंट कर रहा है तो अर्ली सर्जरी पॉसिबल होती है, प्लेन्स अच्छे होते हैं, ट्यूमर लिमिटेड होता है, लोकलाइज्ड होता है, और ट्यूमर फ्री मार्जिन मतलब ट्यूमर हम निकाल दें तो पीछे इस बात का बहुत कम इम्कान होता है कि पीछे कैंसर रह जाए. लेकिन अगर पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है तो उसको हमें कीमोथेरेपी पर शुरू करना पड़ता है. पहले कैंसर वाली दवाइयाँ स्टार्ट होती हैं, उससे ट्यूमर डाउन स्टेज होता है, फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं. इसके अलावा यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि एक कैंसर अगर है, किसी को डायग्नोस हुआ हुआ है, तो क्या चांसेस होते हैं कि उसको बॉडी में कहीं किसी और पार्ट का कैंसर भी हो सके? इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, बड़ी आंत के एक हिस्से में अगर कैंसर है तो दूसरे हिस्से में भी हो सकते हैं. इसीलिए हम कोलोनोस्कोपी जो की जाती है उसमें पूरी बड़ी आंत को देखा जाता है और आफ्टर सर्जरी भी फॉलो किया जाता है. दूसरा एक सिंड्रोम होता है लिंच सिंड्रोम, उसमें बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है, पहले किसी को बच्चेदानी का कैंसर हुआ और अब ये हो, तो वो रिलेटेड होते हैं. ठीक है, फॉलोअप कितने अर्से बात करना चाहिए और आपके पास फॉलोअप में आते हैं पेशेंट्स इस तरह? जी बिल्कुल, फर्स्ट फॉलोअप जो है वो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स और फिर 1 ईयर पे होता है. उसके बाद एनुअल स्क्रीनिंग होती है सीटी स्कैन और कोलोनोस्कोपी के. सीटी स्कैन हमारे यहाँ रूटीनली लोग फॉलो करते हैं, करवाते हैं? जब पेशेंट्स को डायग्नोसिस होता है, वो ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम उनके साथ काउंसलिंग सेशंस करते हैं, उनको समझाते हैं कि इस फॉलोअप का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है उनकी आगे की ज़िंदगी पर. तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स फॉलो करते हैं. उस हवाले से बात करें जो ट्रीटमेंट हमारे इनकम्प्लीट रह जाते हैं, बहुत से लोग ट्रीटमेंट लेते हैं फॉलोअप नहीं करवाते, वो लोग फिर किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? अब इसमें ये होता है कि ऐसे भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं, मैं बताऊंगी आपको कि एक पेशेंट आया, उसको हमने देखा, असेस किया, डायग्नोस बायोप्सी कर ली, डायग्नोस कर लिया, उसको बता दिया भाई आपकी ये कैंसर है, आपको सर्जरी की नीड है, लेकिन वो चला गया कि कुछ और कहीं और तरीके हैं होम्योपैथी के, वो मुख्तलिफ किस्म के उसने इलाज कराए और 1 साल बाद वो फिर हमारे पास प्रेजेंट हुआ जबकि उसका कैंसर फैल चुका था और एक वो बहुत मिजरेबल स्टेट में, तकलीफ में वो मौजूद था. क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारी पब्लिक को कि वो कोई भी छोटी सी डिजीज को, रेक्टल ब्लीडिंग को नॉर्मल ना लें? पब्लिक को मैं यही कहना चाहूँगी कि कोलोरेक्टल कैंसर एक डिज़ीज़ ऐसी है जो यंग पॉपुलेशन में बहुत कॉमनली रिपोर्ट हो रही है. हर खून पखाने की जगह से खून आने को बवासीर मत समझें, उसको मत लेबल करें. अब आगे आएँ, अपने डिज़ीज़ को डॉक्टर से डिस्कस करें, मुआयना कराएं और सिंपल से टेस्ट हैं, फीकल ऑकल्ट ब्लड है या सिंपल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है जिसमें कोई तकलीफ नहीं होती, ये कराएँ. और अगर आपका डॉक्टर को महसूस होता है कि कोई ख़तरे की बात है तो फिर वो आपको कोलोनोस्कोपी या सीटी स्कैन्स एडवाइस करेंगे जो कि पूरे शहर में आसानी से अवेलेबल है. थैंक यू सो मच डॉक्टर अमारा. डॉक्टर अमारा जो कि आज हमारे साथ मौजूद थी और हम बात कर रहे थे कोलोरेक्टल कैंसर पे. हेल्थ सॉल्यूशन ऐप एक ऐप हॉस्पिटल है जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पर दे रहे हैं. डॉक्टर अमारा हमारे साथ थी. आप लोगों को कोई भी इनसे एडवाइस लेनी हो, इनको दिखाना हो या कोई ऐसी बात डिस्कस करनी हो जो कि आप ओपनली नहीं कर सकते, तो आप हमारी हेल्थ सॉल्यूशन ऐप के थ्रू डॉक्टर अमारा से डिस्कस कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं. थैंक यू सो मच. डाउनलोड हेल्थ सॉल्यूशन ऐप फॉर योर ओन हेल्थ.